हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों अपने सोशल मीडिया का लिंक को आप अपने यूट्यूब चैनल से ऐड कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल से या फिर दोस्तों आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों मोबाइल है, तो मैं अभी मोबाइल से आपको करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं सारा यूट्यूब का काम अपने मोबाइल से ही करता हूं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोई भी सोशल मीडिया का लिंक ऐड करना है अपने चैनल पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर कोई और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया, उसका लिंक आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको उसका लिंक निकालना होता है। लिंक क्या निकालना होता है मैं आपको बताता हूँ। लिंक वहीं जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका डायरेक्ट फेसबुक ओपन हो जाएगा वहां से, एंड इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, एंड जिस भी सोशल मीडिया का आप लिंक वहां पे दिए रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस पे क्लिक करने पे वहां पे वो ओपन हो जाता है। तो वो लिंक आपको कैसे निकालना है तो मैं आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दो ये ऐड करके दिखाने वाला हूँ, और आप जितना ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं लिंक को निकाल कर। तो चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ और आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नोटबुक ओपन करना है, जहाँ पे हमें लिखने का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिंक को पेस्ट करेंगे वहाँ से कॉपी करके, ठीक है। तो आपको अपना फेसबुक ओपन कर लेना है, और आपको बताता हूँ कि आप अपने फेसबुक का प्रोफाइल लिंक कैसे निकाल सकते हैं, या फिर और भी किसी सोशल मीडिया का आप निकालना चाहते हैं उसका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक अपना ओपन किया, एंड इसका प्रोफाइल आपको ओपन कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे थ्री डॉट को आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। नीचे में देखने को ऑप्शन मिल रहा होगा योर प्रोफाइल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कॉपी लिंक पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉपी लिंक हो चुका है। अब इसे हम दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक का दोस्तों प्रोफाइल लिंक कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों हम इंस्टाग्राम का, चलिए इंस्टाग्राम का लिंक ओपन कर लेंगे। हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर पे इंस्टाग्राम को लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में यहाँ पे मैंने अपना ओपन कर दिया है, एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों, एंड ये हमारा ओपन है गाइस, ये हमारा इंस्टाग्राम। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो करना दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नेम है अमित कुमार 66, तो आप मुझे फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोफाइल लिंक निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे ओपन करना, ठीक है। आप प्रोफाइल जैसे ही आपका इस तरह से दिखाएगा आपका इमेजेस, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर में ये वाला दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम डॉट अमित केयूथ देखने को मिल रहा होगा, तो उस पर आपको एक बार टच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दोस्तों देखने को मिल जाएगा, एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस दोस्तों कॉपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक यहाँ से कॉपी हो जाता है। अब इसे भी दोस्तों आपको यहाँ पे अपने नोटबुक में यहाँ पे पेस्ट कर लें दोस्तों। तो ये हमारा फेसबुक का हो गया, और ये दोस्तों नीचे वाला हमारा इंस्टाग्राम का हो गया। तो दोस्तों ये दोनों को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो करने के लिए हमें अपना यूट्यूब ऐप ओपन करेंगे, और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ से हम अपना चैनल ओपन करते हैं। तो ये दोस्तों मेरा ब्लॉग चैनल है, जहाँ पे मैंने अभी लिंक ऐड नहीं किया यूट्यूब पे दोस्तों, और इस पे एक वीडियो अपलोड की गई है जिस पे दोस्तों 2.8K व्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैनल पे क्लिक करेंगे, अबाउट में दोस्तों जाएंगे। तो अबाउट में दोस्तों जब हम लिंक ऐड कर देंगे तो यहीं पे दोस्तों हमारा लिंक दिखाएगा फेसबुक का एंड इंस्टाग्राम का। दोस्तों लिंक ऐड करने के लिए दोस्तों हम यूट्यूब ऐप से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अपना यूट्यूब क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, एंड ओपन करने के बाद दोस्तों हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर वाले पे, एंड डेस्कटॉप साइड यहाँ से दोस्तों कर लेना है। डेस्कटॉप साइड हम जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हमारा ये लैपटॉप टाइप का दिखाने लगता है दोस्तों मोबाइल पे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसे जूम करना है, एंड जूम करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा योर चैनल का, ठीक है, सबसे ऊपर में दोस्तों। तो योर चैनल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे दोस्तों, योर चैनल के ऑप्शन पे। हम फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से चैनल दिखाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम कैसे लिंक को ऐड कर सकते हैं चलिए मैं बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा अगला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, एंड यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद गाइज हमें इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, लेआउट का, ब्रांडिंग का, एंड बेसिक इन्फो का। तो आपको बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड बेसिक इन्फो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा था ये अबाउट में दोस्तों दिखाता है, और यहाँ पे आप ऐड लैंग्वेज भी कर सकते हैं, एंड चैनल यूआरएल दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा ऐड लिंक का ऑप्शन दोस्तों। यहीं से दोस्तों हमें वो लिंक को ऐड करना है, और यहाँ से दोस्तों हम ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, जो हमसे बात कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। तो हमें लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हम ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें टाइटल दे देना है कि हम किस चीज़ का लिंक दे रहे हैं, मतलब कि हम फेसबुक का इंस्टाग्राम का दे रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे दोस्तों अब फेसबुक का यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम फेसबुक का यूआरएल डाल देते हैं, ये वाला दोस्तों हम यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड यहाँ से दोस्तों कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा
ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक दोस्तों हो चुका है। अब दोस्तों फिर से हम दूसरा ऐड लिंक करेंगे, तो यहाँ पे फिर से ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर से दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक हम डाल देंगे। तो अब मैं चलिए इसे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा दो लिंक ऐड हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पांच लिंक सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, आप पांच लिंक से ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दो ऐड किया है। एंड उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है जिससे ये सेव हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे पब्लिश का एंड कैंसिल का एंड व्यू चैनल का। तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है जिससे दोस्तों हमारा ये सेव हो जाएगा। एंड सेव होने के बाद दोस्तों हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। आप दोस्तों हम यहाँ पे अपना इसका डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं अब यूट्यूब चैनल पर कि हमारा यूट्यूब चैनल में ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो चलिए यहाँ से हम यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं एंड इसे एक बार दोस्तों रिफ्रेश करते हैं, ऑप्शन देखने को मिल चुका है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फेसबुक ओपन हो जाएगा। जैसे मैं फेसबुक पर क्लिक किया तो चलिए यहाँ पे हमारा कौन सा पेज ओपन होता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पे फेसबुक का प्रोफाइल ओपन हो चुका है। अब दोस्तों हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों लिंक ऐड करने का फायदा होता है, आपके व्यूअर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप अपने चैनल पे कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। यदि अभी भी कोई आपका डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।